हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की लौंजी। आम की लौंजी काफ़ी टेस्टी होती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आम की लौंजी बनाने के लिए। ये मैंने कच्चे आम लिए हैं 1/2 किलो, चीनी लिया है 100 ग्राम, 2 चम्मच ऑयल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच पंचफोरन है, 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/2 छोटा चम्मच नमक है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला है और 1 पिंच हींग है। सबसे पहले हमें आम के छिलके उतारने हैं। इसको काटने से पहले मैंने आम को धो के और कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया। अब इसके छिलके उतार के गुठली से अलग करते हुए छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। मैंने आम को छील के छोटे छोटे पीस कर लिए। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं, इतने कम से कम 1 इंच का होना चाहिए स्क्वायर पीस में। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें पंचफोरन डाल लेंगे। 5 सेकेंड इसको पकने देंगे। अब इसमें आम के कटे हुए टुकड़े डाल के भूनना है हमें 2-3 मिनट। गैस स्लो करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हम। एक बार चेक कर लेते हैं आम को। आम के टुकड़े अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें अब सारे मसाले डाल लेंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, हींग, चीनी। तो 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे। मैंने 150 ml इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिला लेंगे। इसको बिना ढके हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह पक चुका है और ये गाढ़ा हो चुका है, तो हम गैस बंद कर लेते हैं। यह हमारी आम की लौंजी बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैं आपको एक यहाँ ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। कुछ आम कुछ ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी डालने के बाद लौंजी को ढक के भी पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।